से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? एक महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये विचार आया है कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? आखिर कौन है ये बालाजी सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका यह विचार आपके मन से दूर होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच आपके सामने रखने वाले हैं। यहाँ तक कि बागेश्वर धाम के चर्चे पूरे देश में कैसे हुए और क्या खासियत है बागेश्वर धाम के मंदिर की, आज हम आपको बागेश्वर धाम के सच से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे न्यूवीवर्स हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चा है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने और अपनी अर्जी लगाने कई फिल्म स्टार्स आते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई को नहीं जानते। दोस्तों, अगर हम बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको आज पूरा देश श्री बालाजी सरकार के नाम से जानता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है, और उसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने 12 साल की छोटी उम्र में ही बालाजी की सेवा आरंभ कर दी थी और उनकी उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्ची में लिख देते हैं। वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, और उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर सका है। दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो हम सबका मालिक ऊपर बैठा भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके चमत्कार के किस्से हमें YouTube और न्यूज में देखने सुनने को मिलते हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं, तो कभी ये लोगों के अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देख कर हैरान है। दोस्तों, कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति है, जो भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए हैं, और कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम में अपने माथे टेके, लेकिन इस समय जो प्रसिद्धि बालाजी सरकार को मिल रही है, वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ बस एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की कहानी छुपी है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग अपनी मनोकामना को पूरा करवाने और अपने तकलीफों को दूर भगाने बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है बागेश्वर सरकार के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है, और उन्हीं की असीम शक्तियां भी हैं, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी सारी समस्या लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। स्टेज पर आकर जब कोई अपनी परेशानी बताता है, तो बागेश्वर सरकार उसे पहले से ही अपने हाथ से लिखे हुए पन्ने को पढ़ने के लिए कहते हैं, जिसे बागेश्वर धाम में आए सारे भक्तगण देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानी उन्होंने बाबा को बताई भी नहीं थी, उसके बारे में बाबा पहले से ही पन्ने पर लिख चुके थे, और जिसके बाद बाबा सबके सामने परेशानियों का हल भी बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि इनके सामने कोई झूठ बोलता है या फिर गलत नीयत के साथ अपनी इच्छाएं लेके पहुंचता है, तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते, और आज के समय में बागेश्वर सरकार भूत प्रेतों को भगाने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनके दरबार में कई तरह के परेशानियों से परेशान लोग इकट्ठे होते हैं, और बाबा उन सभी के भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि बालाजी सरकार के ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है। दोस्तों, आपने हनुमान जी की वो आरती तो जरूर सुनी होगी,
कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों बागेश्वर सरकार ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो जब मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी सरकार की सेवा में लग गया था। उन्हें हनुमान जी की भक्ति और प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। बागेश्वर महाराज का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का ही परिणाम है कि जो उन्हें ऐसी महान सिद्धियां प्राप्त हैं जिनकी वजह से वो लोगों की मदद कर पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि असल में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने दादाजी के साथ रहकर की थी। कहा जाता है कि इनके दादाजी भी अपने समय के बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हुआ करते थे और उन्हें भी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी। इनके दादाजी भी दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल किया करते थे। तभी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादाजी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही सारी चीजों का ज्ञान लेने लगे। अपने दादाजी के साथ ही रहकर इन्होंने रामायण और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। दोस्तों अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो बागेश्वर सरकार ने अपने गांव से ही 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। गांव में हाई स्कूल न होने की वजह से बागेश्वर सरकार को पढ़ाई पूरी करने के लिए कठिन परिश्रमों का सामना करना पड़ा था। इसी तरह से बागेश्वर सरकार ने पैदल ही स्कूल तक का सफर पूरा किया और आगे की पढ़ाई पूरी कर डिग्री भी हासिल की। यानी कि हनुमान जी की असीम कृपा के साथ साथ बागेश्वर सरकार के पास डिग्री भी है। लेकिन ग्रेजुएशन के समय से ही बागेश्वर सरकार अपने दादाजी की तरह ही बालाजी की सेवा करने में लग गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इनके घर के पास बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर है जहां पहले इनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी सरकार का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक बालाजी की सेवा करने के बाद बालाजी यानी हनुमान जी और उनके दादाजी ने उन पर अपनी कृपा दिखाई और अचानक उन्हें असीम शक्तियों का आभास होने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लोगों के मन की बातों को समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे और उनके निवारण भी बताते थे। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। लोग जब उनके पास अपनी समस्या लेकर आते थे वो पहले से ही उनके मन की बात समझकर उनकी समस्या का समाधान बता देते थे। और धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये समझ आ गया कि उनके अंदर भी उनके दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं। तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया और यहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार और शनिवार को अपना दरबार लगाकर भक्तों के दुख तकलीफों का निवारण करते हैं और जिनकी अर्जी लगती है बागेश्वर सरकार उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनके बिना कुछ बोले ही उनके सवाल और सवालों के हल एक पर्चे में लिख देते हैं, जिसके बाद लोगों का विश्वास बागेश्वर धाम के ऊपर ज्यादा होने लगा। दोस्तों आप भी ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार न केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने दरबार लगाए हैं और लाखों करोड़ों लोगों की समस्या का निवारण भी कर चुके हैं। कुछ तो बागेश्वर सरकार को साक्षात भगवान का एक रूप समझते हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बागेश्वर सरकार की खूबसूरती को देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठती हैं और बातें सुनने और उन्हें एक झलक देखने के लिए बागेश्वर धाम पहुंच जाती हैं। लेकिन अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर बागेश्वर सरकार का ध्यान इस तरह की चीजों पर बिल्कुल नहीं लगता। वो अपने दरबार में आने वाले हर इंसान को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और उसी तरह प्रेम के साथ उनसे बातें भी करते हैं। वैसे दोस्तों जहां हमारे देश में बाबाओं और तांत्रिकों की छवि इतनी खराब हो चुकी है और उनमें से तो कुछ बाबा जेल की यात्रा भी कर रहे हैं, जैसे ही किसी बाबा के ऊपर लोगों का विश्वास होता है उसके काले कारनामों का काला चिट्ठा खुलने लगता है और लोग भी अब इन चीजों पर विश्वास करने से घबराने लगे हैं। और इस माहौल में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को हैरान कर दे तो दुनिया वालों के मन में सवाल तो उठेंगे ही और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई मीडिया वाले बाबा के दरबार में चोरी छुप के जा चुके हैं ताकि बागेश्वर धाम की सच्चाई को जान सके। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद भी कोई ये तक नहीं मालूम कर पाया कि बाबा लोगों के मन की बात कैसे कहते हैं। लेकिन मीडिया वालों को अभी तक ऐसी कोई चीज प्राप्त नहीं हुई कि जिसे लेकर वो बागेश्वर सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सके। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े से बड़े नेता और अभिनेता बागेश्वर सरकार के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ भरोसा करने लगे हैं। वैसे दोस्तों बागेश्वर बाबा के ऊपर एक बात बहुत ही प्रचलित है, कहा जाता है कि उनका एक सेनापति है जो किसी को दिखाई नहीं देता और उनका वो सेनापति बागेश्वर धाम के लोगों को भूत भगाने में बागेश्वर सरकार की मदद करता है और लोगों का इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो लोग इनके दरबार में जाकर सच्चे मन से ईश्वर का नाम लेते हैं।
और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ बालाजी की सेवा करते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के लिए आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।